विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को पूरा करने की सरकार से बात रखी और सरकार को सख्त चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वो हड़ताल जारी रखेंगे। 8 जनवरी को ऊर्जा प्रमुख सचिव द्वारा समस्त संगठन के पदाधिकारियों को रात्रि 10 बजे भोपाल में एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई, जिसमें प्रमुख सचिव द्वारा मांगों के प्रति आश्वासन देते हुए खुद की जिम्मेदारी पर यह कहा कि 15 दिन के अंदर आपकी मीटिंग मुख्यमंत्री जी से करवा कर मांगों का निराकरण करवाया जाएगा। परंतु आज दिनांक तक ना ही मुख्यमंत्री जी से संगठन की मुलाकात हो पाई। हमारे साथ प्रमुख सचिव ने वादा खिलाफी करी है। झिरनिया से सुखदीप सिंह भाटिया की रिपोर्ट। ये हमारी मांगों के लिए रखी गई है, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों की है। तो कितने दिन तक चलेगी हड़ताल? ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। और क्या क्या मांगे आपकी? हमारे दो प्रमुख मांगे हैं, जिसमें संविदा जो कर्मचारी है इनको नियमितीकरण किया जाए और जो आउटसोर्स कर्मचारी है उनको कंपनी में सविलीन किया जाए, हमारे और वेतन वृद्धि, समान कार्य समान वेतन। और मांगे नहीं पूरी हुई तो क्या करेंगे? ये हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी। हमारी पहले भी हम धरना दे चुके थे 15 दिन पहले। क्या निर्णय लिया? निर्णय शासन ने हमें आश्वासन दिया था लेकिन वो नहीं मानी गई, इसलिए हमें दोबारा करना पड़ा हमारे को। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।